दो दिन के बाद हिम्मत छूट जाती है। शुरू करते हैं बहुत जोश में, लेकिन कुछ वक्त बाद सारा जोश खत्म हो जाता है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें पता है जिंदगी में मेहनत जरूरी है। हम जानते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सब जानने के बाद भी आखिर मेहनत क्यों नहीं की जाती? खुद से 3 सवाल पूछना कि तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहते हो, जो तुम्हें करना है उसके लिए तुम कितनी तैयारी कर चुके हो। ये 3 सवाल तुम खुद से रोज पूछना। जिंदगी में हमेशा मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम मोटिवेट नहीं रहते तो तुम्हारे पास काम करने की हिम्मत नहीं होगी। जिंदगी में हर इंसान के अंदर इतनी मोटिवेशन होती है कि वह हर काम को करने के लिए 24 घंटे एक्साइटेड रहते हैं, जिसे कहते हैं अंदर सफलता के लिए आग लगे रहना। वो पागल रहता है कुछ करने के लिए, और ये आग होती है जिम्मेदारी वाली आग। चलो मैं तुम्हें कुछ याद दिलाता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना क्यों जरूरी है। घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए या खुद के लिए सबसे जरूरी है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो उम्मीदें, उन पर खरा उतरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल तुम्हारा इसी बात से डिसाइड होता है क्या तुम क्या कर रहे हो। एक एक वक्त इतना इम्पोर्टेंट है, यह आपको पता होना चाहिए। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, लेकिन अगर तुम चल नहीं सकते तो तुम रेंगो, लेकिन हर हाल में तुम आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में कभी भी रुकना मत, क्योंकि जो इंसान रुक जाता है उसकी तकदीर वो भी रुक जाती है। एक ऐसा इंसान जो कुछ नया सीखता, एक ऐसा इंसान जो नए इन्फॉर्मेशन नहीं लेता, एक ऐसा इंसान जो हर पल बस मायूस रहता है। जिंदगी में हर हाल में तुम्हें चलना पड़ेगा। परमात्मा भी यही कहते हैं कि तुम बस आगे बढ़ते रहो, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, चाहे हालात कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, तुम कभी भी आगे बढ़ना मत छोड़ो, तुम बस चलते रहो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है और यही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। जो इंसान इस बात को भूल जाता है उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है। इसलिए आगे बढ़ते रहना चाहिए और बढ़ना बहुत ही जरूरी है, आज के लिए नहीं फॉर फ्यूचर के लिए। थैंक्स।